अभी हम यहाँ पर यूवी वाला मेथड करेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूवी मेथड, इट इज शॉर्टकट मेथड। यूवी मेथड में सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एक्स दिया है, वाई दिया है, सबसे पहले हम एक्स का टोटल करेंगे और वाई का टोटल करेंगे, एक्स और वाई का टोटल करेंगे, फिर एक्स बार और वाई बार निकालेंगे, ठीक है। अब जब एक्स बार का टोटल कर रहे हैं तो हमें कैल्सियम में कर लेना है 2700, और वाई का टोटल है 68, ठीक है, एक्स का टोटल और वाई का टोटल। फिर हम निकालेंगे एक्स बार एंड वाई बार, एक्स बार और वाई बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और वाई बार इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन एन, टोटल 2700 डिवाइड बाय एन, कितने थे तुम्हारे, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पर 68 डिवाइड बाय 6, कैल्सियम में तुम कर लो साइड पे, ठीक है। जब हम 2700 डिवाइड बाय 6 करेंगे अपना आंसर आएगा 450, और 68 डिवाइड बाय 6 11.33, राइट। अब मैंने कहा था, आई रिपीट, अगर तुम्हारा कोई भी पॉइंट में आए, कोई भी पॉइंट में आए तो हमें यूवी मेथड लेना है, कोई भी पॉइंट में आए तो यूवी मेथड, कितना भी पॉइंट में आए, छोटा या बड़ा पॉइंट में आ रहा है तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, यूवी मेथड, ओके। नाउ विल हम सबसे पहले फाइंड करेंगे यू, फिर फाइंड करेंगे वी, फिर यूवी, फिर यू स्क्वायर और वी स्क्वायर, ये एक सिस्टमेटिक लाइन है, उस हिसाब से तुम चलोगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, यू, ये सेम एक्स माइनस एक्स बार जैसा ही है, वाई माइनस वाई बार जैसा, देखा जाए तो ये और वो मेथड सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी यहाँ पर हम क्या, हम अपने मन से कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं, या तो 450 भी कर सकते हैं, या अपने मन से कोई भी एक नंबर यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, जो तुम्हें करना है वो तुम एज्यूम कर सकते हो। ट्राई करो कि सबसे छोटा नंबर लो हमेशा, क्या लेने का, सबसे छोटा नंबर लेने का। अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 200, या फिर तुम चाहो तो कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो, एज यू विश। अगर तुम 200 लेते हो यहाँ पर, अब इसमें क्या ध्यान दो, इसमें एक पॉइंट है, उस पर ध्यान देना होता है, जब तुम ये माइनस कर रहे हो, नया 200 लिया, अब हम जब 500 माइनस 200 वो सब माइनस करेंगे, हमारे नंबर्स बहुत बड़े आएंगे, जैसे कि 500 माइनस 200 300, सब हंड्रेड्स में आएंगे, तो एक काम करते हैं, हम इसको डिवाइड, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हंड्रेड्स में है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्या ये करना कंपलसरी है, नहीं, करना है तो करो, तुम्हारे नंबर छोटे हो जाएंगे, क्योंकि ये सब हंड्रेड्स में, अगर ये सब टेंस में होते तो डिवाइड बाय 10, ये सब थाउजेंड्स में होते तो डिवाइड बाय 1000, अगर ये सब 5 के मल्टीपल्स होते तो डिवाइड बाय 5, इससे तुम्हारे आंसर्स नंबर्स छोटे हो जाएंगे, तो कैलकुलेशंस ईजी लगेंगे तुम्हें, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब 200 माइनस 200 डिवाइड बाय 100 0, 500 माइनस 200 500 माइनस 200 300 डिवाइड बाय 100 3 छोटे हो गए, 400 माइनस 200 200 डिवाइड बाय 100 2, 700 माइनस 200 5, 600 माइनस 200 4, 300 माइनस 200 1, ऐसे, ठीक है। हमारे नंबर्स क्या हो गए, छोटे हो गए, सबसे छोटे नंबर लेने से माइनस में नहीं आते फिगर्स, इससे सबसे छोटा नंबर लो, इसका ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्या है, 11.33, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 9, यहाँ ले लेते हैं, वाई बार अज्यूम कर लेते हैं 9, इससे नेगेटिव नहीं आएंगे, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 10 माइनस 9 1, 15 माइनस 9 9 माइनस 9 12 माइनस 9, ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं हम फटाफट, 3 4 5 5 5 10 15, 4 5 11 12 13 14। अब यू वी कैसे होगा, दोनों को मल्टीप्लाई, 0 1 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 5 6 ज़ा 4 0 ज़ा 3 1 ज़ा। अब हम कर लेते हैं यू का स्क्वायर, इसका क्या करना है, स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 1 का, अब v की बारी, v का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 1 का, 6 का स्क्वायर, अब हमें टोटल करके रख देना है, 11 9 11 41 44, राइट। अब ये तुम कर लो, 16 20 45 55, राइट। थर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स
56 में भी अब हम फॉर्मूला डालेंगे आर की, आर इक्वल्स टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू एन टू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर रूट में, नीचे वाला पूरा रूट में। एन कितना था, 6 था राइट, ये रहा एन 6। सिग्मा यू वी का टोटल, यू वी पूछा है, यू वी लिखना 44 माइनस सिग्मा यू और वी का, ये यू और ये वी 15 और 14 दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन एन सिक्स सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा यू स्क्वायर दैट इज 55 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर, ये पूरा एक हुआ। अब ये जैसे यू वैसा सेम वी करना है, 56 वी स्क्वायर माइनस वी का होल स्क्वायर दैट इज 14 का होल स्क्वायर। अब ये तुम्हें मल्टीप्लाई करके रखना है, 44 इंटू 6 कितना होता है, 44 इंटू 6 264 माइनस 15 इंटू 4 15 इंटू 14 210। अब ये भी करके रखना है, 55 इंटू 6 830 माइनस 15 का स्क्वायर 225, रूट बाद में, पहले ये कर लेंगे उसके बाद रूट, इंटू 56 इंटू 6 ये तुमने कर लिया, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, 54 राइट, 330 माइनस 225 105 इंटू 336 माइनस 196 140 रूट में। पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कितना आता है, 121.24 अपॉन 54, इसको इससे डिवाइड करो, 54 डिवाइड बाय 121.24 दैट इज 0.45, ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है, ये मैच खाएगा। तो ये तरीका है, क्या क्या बेसिक पॉइंट्स है, सबसे छोटे नंबर लो हमेशा, इससे नेगेटिव नहीं आएंगे, ये कोई ध्यान नहीं देता है, प्लीज़ गुजरात बोर्ड वाले सबसे छोटे नंबर लेने की ट्राई करें तो नेगेटिव नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट ध्यान रखें कि हम अगर हमारे नंबर्स बढ़े तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और उसका फिर बाद में कोई यूज़ नहीं, एक बार डिवाइड किया नंबर क्या होते हैं, शॉर्ट्स, व्हेन नंबर्स आर शॉर्ट्स यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। अगर हम बड़े नंबर लिखते हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती है, हमें फॉर्मूला डालना और सब पुटअप करना है, ओके।